सो स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। सो सबसे पहला क्या है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। कुछ चीजें तो हमने पहले पढ़े थे, वो आपको याद दिला दूं मैं कि द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। हमने क्या कहा था, पढ़ा था पहले कि जो नंबर्स दिए रहेंगे उनका एचसीएफ हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, किसके, सबसे छोटे नंबर के, बट इनसे कभी बड़ा नहीं होगा। द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम्स इज ऑलवेज वन, मतलब दो को प्राइम्स का एचसीएफ हमेशा वन ही होता है। को प्राइम्स मीन्स टू से ऐसे नंबर्स जैसे टू और थ्री जिनमें कि कोई भी कॉमन फैक्टर क्या हो, वन के अलावे ना हो, दैट इज नोन एज को प्राइम्स। तो उनका एचसीएफ तो वन ही होगा ना, पहले हम लोग बोल ही रहे हैं कि उसके कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं होंगे तो एचसीएफ भी तो वन ही होंगे ना। तीसरा है द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स। अगर आप किसी के एलसीएम निकाल रहे हो नंबर्स के, तो उनका एलसीएम जो होगा हमेशा बड़ा या इक्वल रहेगा, किसके, सबसे बड़े नंबर्स के। एचसीएफ के मामले में भी छोटा होगा बोला था हमने, छोटे नंबर का, इसमें बोल रहे हैं कि बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा सबसे बड़े नंबर के। एलसीएम जो होता है टू को प्राइम्स का हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। ओके, एचसीएफ दो नंबर्स का हमेशा क्या होगा, उनके एलसीएम का एक फैक्टर होगा। मैं समझिए जरा ध्यान से, एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को डिवाइड करेगा, है ना। अगर दो नंबर एक्स और वाई है और एक्स वाई का फैक्टर है, देन एचसीएफ क्या होगा, इक्वल टू एक्स एंड एलसीएम इज इक्वल टू वाई। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बातें कि एक्स और वाई दो गिवन नंबर से और एक्स एक फैक्टर है वाई का, तो उनका एचसीएफ एक्स होगा और अगर एलसीएम ढूंढना है तो एलसीएम हो जाएगा वाई का। जरा समझिए इसको, जैसे मैं बोल रहा हूँ थ्री और सिक्स दो नंबर है, थ्री सिक्स का एक फैक्टर है, तो जब एचसीएफ आप ढूंढिएगा ना तो थ्री उसका एचसीएफ होगा और एलसीएम ढूंढिएगा तो सिक्स होगा। वाई बोल रहा था ओके कि थ्री एचसीएफ होगा और सिक्स एलसीएम होगा। सो अब प्रॉपर्टीज पर आते हैं हम लोग कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आपको एक नंबर ढूंढना है तो आप एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट करो यहाँ पर और दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो। ऐसे भी ये मल्टीप्लाइड में इधर आएगा तो डिवाइड में होता है। अगर आपको दूसरा नंबर ढूंढना हो तो आप एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करो और पहले नंबर से डिवाइड कर दो। ओके, ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा है। वन ढूंढोगे तो अदर से डिवाइड करोगे, अदर ढूंढोगे तो वन से डिवाइड करोगे। ओके, और अगर आपको एचसीएफ ढूंढना है तो आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम ढूंढना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो आपको बस एक लाइन याद कर, और वो है ये वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको ये हमेशा 10th तक काम देगा। ओके, इसको याद रखिए। एक सॉल्व एग्जांपल है, इसको आप खुद ही देखिए कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट इतने दिए हैं, उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ढूंढिए। तो अभी हमने एचसीएफ के फॉर्मूले देखे है ना, वन नंबर इंटू अदर नंबर मतलब दोनों का प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना उन दोनों के एलसीएम से। तो वही किया है, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय एलसीएम। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये दिया था, एलसीएम ये दिया था, उसे रख दिया, डिवाइड हो गया, एचसीएफ आ गया। सो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। सेकंड में देखिए, उसी पर बेस्ट एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज है। सारे के सारे दिए, एलसीएम दो नंबर्स का 16 दे दिया है, प्रोडक्ट 64 है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप देखिए एचसीएफ निकालने वाले फॉर्मूले ऊपर है ना, वन इंटू अदर नंबर कीजिए और एलसीएम से डिवाइड कीजिए। देखिए मैंने बनाया है, जरा ध्यान से देखिए, आपको ऐसे लैंग्वेज लिखनी है और ये सारे, और फॉर्मूले पर डाल देना है। मैंने डिवाइड किए और आया, एक लॉजिक स्टेटमेंट लास्ट में दे देना है, हेंस द एचसीएफ ऑफ करके हो गया। देखिए ऐसे ही है ना, क्वेश्चन नंबर टू थ्री बनेगा। फोर में थोड़ा सा कहता है कि फाइंड द एलसीएम विथ द हेल्प ऑफ देयर एचसीएफ, एचसीएफ के हेल्प से आपको एलसीएम निकालना है। ओके, जरा देखिए तो कैसे करेंगे इसको हम लोग।
ये देखिए एलसीएम विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ ढूंढना है सो क्वेश्चन मार्क। सो हमने क्या किए, पहले एचसीएफ ढूंढ लिए, जो छोटा होता है उससे बड़े को डिवाइड करते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड यही कहता है। देन ये डिवाइड हुआ, ये एचसीएफ आया, अब प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड कर दिया हमने, तो आ गया हमारा आंसर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। इफ द एलसीएम एंड ये जितना दिया है दो नंबर से एलसीएफ ढूंढिए, ये भी फॉर्मूले पर है बेस्ट। एलसीएम दिया है एलसीएफ ढूंढना है, तो एलसीएफ फॉर्मूला ऐसे होता है ना, आपने देखिए ये कैंसिलेशन की हुई है 3 से उसके बाद 11 से। ओके सो आई होप ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सो आप बनाइए और इसको बनाने के बाद इधर होट्स में आ जाइए, एमसीक्यू में आ जाइए। ओके सो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ये आपने किए थे। सो मल्टीपल चॉइस करने के बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जगह सर इसमें देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इसको ध्यान से देखिए कहता है। यहाँ 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स बस एक ही बार यूज किए गए और क्या पाया गया है 100। देखिए जरा सर तो कहता है क्या आप इस तरह के दूसरे भी अरेंजमेंट कर सकते हैं जिनमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज हो और 100 लाया जा सके। सो इट्स योर होमवर्क, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कोशिश जरूर कीजिए। डू यू नो द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, क्या आप जानते हैं 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको पता है ना 999 होता है। तो आप सोचिए कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद है ना, जो केवल 1 और खुद से डिवाइड होता है और उसको डिवाइड करने वाले कोई दूसरे नंबर नहीं है। ये करने के बाद आप एनसीईआरटी कॉर्नर पे आ जाओ, ये सम ऑफ टू ओड प्राइम्स के फॉर्म में लिखाना है, इसको हमने किए थे ये याद है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट करके बताना है कि इनमें से कौन 11 से डिविजिबल है, 11 की डिविजिबिलिटी याद है ना, ओड एंड इवन कसम, ओड के प्लेसेस के डिजिट्स को सम करके इवन के प्लेसेस के डिजिट को सम करके डिफरेंस निकालना है, 0 आए या 11 आना चाहिए है ना। थर्ड में कौन को प्राइम्स है, को प्राइम्स के बारे में मैंने पहले ही बताया अभी कुछ समय पहले ना, कि जिनमें 1 नंबर कॉमन फैक्टर है, तो आप खुद ही कर सकते हैं। एक नंबर 12 से डिविजिबल है, तो क्या ये दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा, कौन कौन वो नंबर होंगे ये पूछ रहे हैं। तो जो 12 से डिविजिबल है वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 6, 12। ओके अभी कहता है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल है, सो वो ये कहता है। देखिए मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 और 3, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार है ना, एक के बाद तो 2 इवन है तो ऑड आएगा 3, 3 के बाद इवन 4 है फिर 5 आएगा, तो इनका सम कीजिएगा। तो देखिए 1 एंड 3 का 4, 5, 3 का 8, 5, 7, 12, 7 एंड 16, 9, 1, 20, 9, 11, 20, तो ये चलते रहेगा। तो देखिए ये सारे 4 से डिविजिबल होंगे क्योंकि 4, 8 सब 4 के टेबल वाले हैं। मीन्स टू से कि आप जो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कीजिएगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा, सो आपको लिखना होगा हेंस द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। ओके सो ये आपका होमवर्क है कि एमसीक्यू एक्सरसाइज 3 पॉइंट से लेकर एमसीक्यू एनसीईआरटी कॉर्नर और हॉट सभी बनाने हैं होमवर्क में। ओके सो ट्राई दिस, अगर कहीं दिक्कत है तो आपको पूछते हैं। ओके okay?